Hello, my dear students. Today I am going to discuss a new topic of subject high voltage direct current transmission, electrical engineering 7th semester IKG PTU. The topic is modern trends in HVDC transmission system. Before that, kindly subscribe my channel and share with your friends studying in electrical engineering in IKG PTU. Or any university across the country, because the subject may be in other semester in different universities also. And if you are the faculty of any institute, kindly forward my lecture, video lecture, to your concerned students as well as your colleagues to circulate and get the particular basic concepts of the topic modern trends in HVDC transmission. In every lecture, I will suggest you that you can also refer the reference book already quoted by me in every slides. आप इसमें से किसी भी एक particular book को purchase करके अपने library में जरूर रखे आज an electrical engineer. They definitely give you some advantage to clear the concepts regarding all the topics explained by me. So, before that, we already studied the various topics of HVDC transmission, like the configuration of HVDC transmission, description of HVDC transmission, and before this lecture, planning of HVDC transmission. So after the study regarding the planning of HVDC transmission, we have to then get the knowledge about modern trends in HVDC transmission. हमें modern trends में क्या हो रहा है आज के डेट में ये भी जानना जरूरी है एक पर्टिकुलर एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन के डिजाइन करने के लिए. सो गाइज, वी कैन स्टार्ट नाउ. द फर्स्ट पॉइंट इज मॉडर्न ट्रेंड्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टर स्टेशन व्हाइल इंप्रूविंग द रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. सबसे मेन पैरामीटर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, दैट विल बी द कॉस्ट, जो मैंने कल बताया था प्लानिंग के टाइम में. और सेकंड आपका क्या पॉइंट आता है कॉस्ट के बाद, दैट इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम. एंड थर्ड वन इज द टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. इन सारे चीजों को जो रिड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न ट्रेंड्स. उस मॉडर्न ट्रेंड्स को अपने को एडॉप्ट करना है टू डिजाइन ए एचवीडीसी ट्रांसमिशन नेटवर्क. सेकेंड क्या कहता है, पावर सेमीकंडक्टर्स एंड वॉल्व्स. आज के डेट में जब मैं सबसे पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था एचवीडीसी ट्रांसमिशन का, तब मैंने बताया था उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे और पर्टिकुलर एक वॉल्व्स आते थे पहले, हम वो यूज करते थे कन्वर्ट एसी टू डीसी. वो कंट्रोल नहीं होता था, बट आज के डेट में जो हमारे पास पावर सेमीकंडक्टर्स और वॉल्व्स है लेटेस्ट वाले, जो एससीआर फैमिली की जो डेवलपमेंट हो गई है थायरिस्टर फैमिली की, उसके बाद पावर सेमीकंडक्टर प्ले ए बिग रोल टू डिजाइन ए एचवीडीसी ट्रांसमिशन. एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पावर सेमीकंडक्टर. नेक्स्ट क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टर्स कैन कम डाउन इफ द नंबर ऑफ डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल कैन बी ब्रॉट डाउन. अब क्या है कॉस्ट ऑफ द कन्वर्टर्स, आप पहले ही देख लीजिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है. After the research of semiconducting material और power semiconductors जब से आने लग गए, उसके बाद से क्या हुआ, जो cost है converters का वो धीरे धीरे day by day कम होने लगा. The size of device has gone up to 125 mm and there is no need for parallel connection. हमें parallel connection की requirement नहीं होनी चाहिए modern trends के according. The increase in the current rating of the device has made it possible to provide higher overload capacity at reasonable cost and reduce the lower limits on transformer leakage impedance, thereby improving power factor. The voltage rating are also increases. अब क्या होता है, अगर हम आगे यूज करेंगे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल डेवलपमेंट जो हो गया, उसके बाद जो हमारा लेवल ऑफ वोल्टेज था उसमें काम करने की जो हमारी लेवल थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिस कारण से हमें काफी अच्छी बेनिफिट्स मिल रही है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के कारण. और उस कारण से क्या होता है, जो लीकेज इंपीडेंस ट्रांसफार्मर का है उसकी हमें लगाने ट्रांसफार्मर की जरूरत ही कम पड़ रही है. और उसके बाद वोल्टेज रेटिंग जो है हमारा वो आल्सो इंक्रीज हो गया. उसके बाद आपका लाइट ट्रिगर थायरिस्टर्स इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्टर ऑपरेशन. ये जो आपका है लाइट ट्रिगर थायरिस्टर जो लेटेस्ट आया हुआ है,
ये क्या कर रहा है, जो आपका कन्वर्टर ऑपरेशन है इसके रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ वॉल्व्स विल रिड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड गैपलेस अरेस्टर एंड प्रोटेक्टिव फायरिंग मेथड। अब क्या है, पहले तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल आ गया, उसके बाद फायरिंग जो हम लोग सर्किट अप्लाई करते थे टू टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ द थायरिस्टर टू वर्क एज ए कन्वर्टर इन पर्टिकुलर कन्वर्टर स्टेशन, वो एक से एक अच्छे अच्छे मैकेनिज्म आ गए हैं उसके, जो कि सारा का सारा ये सिस्टम को हमारा इम्प्रूव कर रहा है। उसी में से एक एप्लीकेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड गैपलेस अरेस्टर आ गया है एंड प्रोटेक्टिव फायरिंग मेथड, जो फायरिंग मेथड है वो टोटली प्रोटेक्टिव मेथड वाला आ गया है, उस कारण से हमारा जो आगे एफिशिएंसी है या उसकी जो रिलायबिलिटी है दैट विल बी इम्प्रूव, वो अच्छा हो रहा है आज के डेट में हमारे साथ। नेक्स्ट है आपका, मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा कि किस 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 में मॉडर्न ट्रेंड जो आया है वो कैसे हर एक चीज को हमारे सिस्टम को रिलायबल बना रहा है, उसका टेक्निकल परफॉर्मेंस बढ़ा रहा है और उसकी जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें, दैट इज कॉल्ड कन्वर्टर कंट्रोल। कन्वर्टर कंट्रोल में क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स बेस्ड कन्वर्टर कंट्रोल इक्विपमेंट हैज नाउ मेड इट पॉसिबल टू डिजाइन सिस्टम विद कंप्लीटली रिडंडेंट कन्वर्टर कंट्रोल विद ऑटोमेटिक ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम इन द केस ऑफ ए माल फंक्शनिंग। मीन्स जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हमारे कन्वर्टर्स आ रहे हैं उसके थ्रू हमारा जो कंट्रोल है और उसकी जो रिडंडेंसी है, मतलब एक बार यूज करने के बाद भी हम उसका माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड रिले जो है वो प्रोग्राम्ड होते हैं, उसको हम जितनी बार चाहे उतनी बार एज पर एज आर स्पेसिफिकेशन हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने एक बार एक पैरामीटर सेट कर दिया तो लाइफ लॉन्ग वही पैरामीटर रहेगा, वो उसमें बहुत अच्छी ये फैसिलिटी है, रिडंडेंसी है कि हम उस कन्वर्टर के पैरामीटर्स को माइक्रो कंट्रोलर के बेस के हिसाब से इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। द माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल ऑल्सो हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्राई एडेप्टिव कंट्रोल एल्गोरिदम और इवन द यूज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम फॉर फॉल्ट डायग्नोसिस एंड प्रोटेक्शन। ये जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड या माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड आपका कंट्रोल सिस्टम है वो आपके ओवरऑल सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाता है और एडेप्टिव बना देता है, और वो जनरली उसमें हम ऑलरेडी प्री डिफाइन एल्गो दे सकते हैं या नया एल्गो मॉडिफाई करके हम डाल सकते हैं फॉर द ओवरऑल कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम। उसके बाद है आपका डीसी ब्रेकर। तो डीसी ब्रेकर क्या है, द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ ए प्रोटोटाइप डीसी ब्रेकर will be possible to go in for tapping an existing DC link or the development of new empty DC system. ठीक है, या तो हम development जब करते हैं DC breakers में, possible है कि हम या तो कोई tapping करके अलग से link बना लें या modern trend DC system जो हमारा empty DC उसको हम development में new terms में ला सकते हैं। The DC breaker rating are not likely to exceed the full load rating as the control intervention is expected to limit the fault current. अब क्या कह रहा है, ये नहीं exceed कर सकता है full load rating को और intervention कर सकता है control को to exceed limit the fault current. तो ये सारा का सारा जो हम लोग mechanism पढ़ रहे हैं converter, control और DC breaker, इसमें आज के date में recent trends में बहुत सारी development हो रही है और आगे भी modern trends के through इसमें development हो सकती है, जो कि हमारे system को more cheaper, more redundant, मोर रिलायबल और मोर टेक्निकल परफॉर्मेंस पैरामीटर हमें दे सकता है, तो उस पर हम लोग ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग एसी लाइंस। अब सबसे मेन चीज ये है कि ऑलरेडी हमारे पास जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क बना हुआ है ऑलरेडी, जिसका लेवल ऑफ वोल्टेज जो है वो ज्यादा है सिस्टम का, वो हमें करना है, तो उसको हम लोग कैसे एसी से डीसी में मॉडिफाई करें, कन्वर्जन करें एग्जिस्टिंग एसी लाइंस को, उसके बारे में भी हमें मॉडर्न ट्रेंड्स में काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है। द कंस्ट्रक्शन ऑन रो आर फोर्सिंग सम यूटिलिटीज टू लुक इनटू द ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग एसी सर्किट टू डीसी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पावर ट्रांसफर लिमिट। अब क्या है, जो पावर ट्रांसफर लिमिट है उसको बढ़ाने के लिए अगर मैं एसी नेटवर्क में जाऊंगा और बढ़ाने के लिए, तो हमें कॉस्ट ऑफ कंडक्टर भी ज्यादा चाहिए होता है, प्लस losses will be getting high, क्योंकि मैंने पहले ही आपको पढ़ाया हुआ है कि जो सिस्टम हमारा बना हुआ है उसमें अगर 500 किलोमीटर से ऊपर की ट्रांसमिशन लाइन है तो HVDC ही बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू HVAC की।
तो वो पावर ट्रांसफर लिमिट को भी जो है डीसी सर्किट जो है वो बढ़ा देता है। देन ऑपरेशन विथ वीक एसी सिस्टम, द स्ट्रेंथ ऑफ एसी सिस्टम कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ ए डीसी लिंक इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो, एक एससीआर होता है शॉर्ट सर्किट रेशियो, उसके बेस पे हम लोग पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं कि क्या ये हमारा जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है दैट विल बी एफिशिएंट और नॉट, ये चीजें हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका है इफ शॉर्ट सर्किट रेशियो इज लेस देन 3 द एसी सिस्टम इज सेड टू बी वीक। जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के थ्रू एससीआर की वैल्यू निकालते हैं और जब शॉर्ट सर्किट रेशियो की वैल्यू जो है आपकी वो लेस देन 3 हो जाता है तब हम कहते हैं कि जो हमारा एसी सिस्टम है ये भाई साहब वीक है और इसको हमें एज सून एज पॉसिबल हमें इसको डीसी लिंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है द कांस्टेंट रिएक्टिव करंट कंट्रोल और एसी वोल्टेज कंट्रोल हैव बीन सजेस्टेड टू ओवरकम सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विद वीक एसी सिस्टम। अब जो ये सारा का सारा आप कंट्रोल देख रहे हैं रिएक्टिव करंट कंट्रोल, अब रिएक्टिव पार्ट किसके थ्रू होता है, रिएक्टिव पार्ट इज टोटली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे सिस्टम में फ्रीक्वेंसी होएगा ही नहीं, जैसे एसी केस में एफ होता है फ्रीक्वेंसी, डीसी केस में एफ इज इक्वल टू जीरो होता है, तो अगर हमारे डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी होगा ही नहीं तो हमारा जो ये कांस्टेंट रिएक्टिव करंट कंट्रोल है एसी वोल्टेज कंट्रोल वो ओवरकम करने के लिए हमें डीसी सप्लाई एसी सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आती है वीक एसी सिस्टम में वो नहीं होगी। अब आपका है एक्टिव डीसी फिल्टर। एक्टिव डीसी फिल्टर क्या कहता है, इट कैन बी एलिमिनेट बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लो फ्रीक्वेंसी नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स हार्मोनिक्स। जो डीसी फिल्टर होता है हमारा जो कंपोनेंट है एचवीडीसी का, उसको हम ऐसा डिजाइन करें कि एलिमिनेट कर दे ये पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लो फ्रीक्वेंसी नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स हार्मोनिक्स को ये एलिमिनेट कर दे, हम इस तरह से मॉडर्न ट्रेंड में डिजाइन करें। उसके बाद है इन इंडिया चंद्रापुर पद के एचवीडीसी प्रोजेक्ट यूज एन एक्टिव फिल्टर इन ईच पोल। जो हमारे पास ऑलरेडी कमीशन्ड है लाइन एचवीडीसी की उसके जो पोल्स है हर एक पोल्स पे ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया हुआ है एक्टिव फिल्टर्स लगाया हुआ है अपने एचवीडीसी प्रोडक्ट में टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ पावर। उसमें किसी भी तरह का हार्मोनिक्स नहीं आए, किसी भी तरह के डिस्टोर्शंस नहीं आए या किसी भी तरह की पावर क्वालिटी हमारी खराब ना हो, इसके हम लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट आपका वो है कैपेसिटर कम्यूटेटेड कन्वर्टर कन्वर्टर, इसको हम लोग जनरली ट्रिपल सी से भी जानते हैं। तो इसमें क्या कहता है, इंप्रूव्ड वोल्टेज स्टेबिलिटी व्हेन ऑपरेटिंग विद वीक एसी सिस्टम, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर, लेस लोड रिजेक्शन ओवर वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट। तो ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा टू एलिमिनेट ऑल दीज पैरामीटर्स। उसके बाद कहता है द सीसीसी कैपेसिटर कम्यूटेटेड कन्वर्टर कंबाइंड विद एसी फिल्टर्स दैट हैव लो प्रैक्टिस लो रिएक्टिव पावर रेटिंग, दीज कैन बी ऑटोमेटिकली ट्यून्ड पैसिव फिल्टर्स और एक्टिव फिल्टर्स। ये जो है हमारा कैपेसिटर कम्यूटेटेड कन्वर्टर ये ऑटोमेटिकली ट्यून्ड हो जाता है पैसिव फिल्टर में और एक्टिव फिल्टर में एज पर एज द रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड इन द ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन ऑफ द सिस्टम। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, द सीसीसी वाज फर्स्ट अप्लाइड इन गाराबी बीटीबी प्रोजेक्ट फॉर पावर एक्सचेंज बिटवीन अर्जेंटीना एंड ब्राजील। जो आपका कैपेसिटर कम्यूटेटेड कन्वर्टर्स है कन्वर्टर स्टेशंस में, ये फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट किया था गाराबी में, बीटीबी प्रोजेक्ट था ये फॉर पावर एक्सचेंज, एक दो कंट्री के बीच में अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में पावर एक्सचेंज करने के लिए ये ट्रिपल सी को फर्स्ट टाइम पे अप्लाई किया गया था कैपेसिटर कम्यूटेटेड कन्वर्टर को अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में। लास्ट पॉइंट है अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। तो मॉडर्न ट्रेंड में क्या हो रहा है, आज के डेट में हम लोग नए नए डेवलपमेंट कर रहे हैं, नए नए रिसर्च कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एचवीडीसी ट्रांसमिशन, जहां पे क्या हो रहा है अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन एट 800 केवी इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज ब्लॉक्स ऑफ पावर अबव 3000 मेगावाट फॉर डिस्टेंस बियॉन्ड 1500 किलोमीटर। उसके लिए दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन नेटवर्क, जहां पे द रेटिंग ऑफ वोल्टेज इज मोर देन 800 केवी एंड द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज नियर बाय 1500 किलोमीटर। ये कहां कहां पे अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी लाइन चल रहा है, इन चाइना,
इंडिया, साउथ अफ्रीका, कोंगो एंड ब्राजील वेयर लार्ज हाइड्रो पावर रिसोर्सेज अवेलेबल इन रिमोट एरियाज आर डेवलप्ड। एक्चुअल में क्या है, इंडिया में भी जो टेरी है अपना 2500 मेगावाट का प्लांट है, उसमें 10 यूनिट लगे हैं 250 मेगावाट के। उसी तरह से इंडिया के कई ऐसे बिग बिग प्रोजेक्ट जो जैसे कल्पक्कम लग रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का बिग प्लांट है जो तमिलनाडु में लग रहा है, या आपके इधर आप जब जाओगे हिमाचल में बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो ये क्या काफी अपने साइड से दूर है, तो दूर है और पावर की रेंज ज्यादा है, तो हमारा ट्रांसमिशन लाइन भी लंबा है और वोल्टेज रेटिंग भी ज्यादा है, तो उस केस में हमें अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाना होगा जो कि मोर देन 300 मेगावाट पावर को हैंडल कर सके। द लेवल ऑफ वोल्टेज विल बी मोर देन 800 किलोमीटर और ये हमारे 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस में जा सके। इसके लिए हम लोग ये अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो था, ये मॉडर्न ट्रेंड्स है, सारे के सारे जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए, दीज आर दी मॉडर्न ट्रेंड्स हम लोग लेके चल रहे हैं एचवीडीसी ट्रांसमिशन में। ये मॉडर्न ट्रेंड है, जैसे कैपेसिटर, कम्यूटेटेड कन्वर्टर्स, ये सब मॉडर्न ट्रेंड में है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन ये मॉडर्न ट्रेंड में है। उसके अलावा जो आपका ओवरऑल सिस्टम है मॉडर्न ट्रेंड्स इन एचवीडीसी, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो मैं बताता हूँ किस तरह का आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मॉडर्न ट्रेंड्स फॉर एचवीडीसी, फॉर द प्लानिंग ऑफ एचवीडीसी ट्रांसमिशन नेटवर्क, ये चार नंबर का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। या दूसरी बात, मॉडर्न ट्रेंड्स एचवीडीसी ट्रांसमिशन में क्या है, तो मॉडर्न ट्रेंड्स तीन चार चीजें हैं। एक तो ये नया आया है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर कम्यूटेटेड कन्वर्टर। अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन नेटवर्क आया है। उसके अलावा जो आपने पहले पढ़ा था मॉडर्न ट्रेंड्स में, वो है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सारे कन्वर्टर्स आ रहे हैं आज के डेट में। और जब से सेमीकंडक्टर मटेरियल का डेवलपमेंट हुआ है तब से और भी इसमें और चीजें जुड़ती जा रही है। तो जो आप ओवरऑल देख रहे हो पैरामीटर्स, इसमें सारे पैरामीटर्स बताए गए हैं एज पर एज योर यूनिवर्सिटी सिलेबस। बट अगर आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो यू हैव टू फॉलो द बुक्स रेफर्ड बाय मी। ये मैंने रेफर किया हुआ है बुक्स आपको, इसको आप फॉलो करें। और आफ्टर 15 दिसंबर जब मैं हर एक लेक्चर को अपग्रेड करूंगा एज पर एज द रिसेंट डेवलपमेंट और जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसका, उसके थ्रू अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस कवर कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी पेपर का, किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो अभी आपको पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस एज पर एज योर कैरिकुलम एंड एज पर एज योर पेपर आप इसको तैयार कर लीजिए। और उसके बाद जो इसका अपग्रेडेड वर्जन होगा, हर एक लेक्चर का अपग्रेडेड वर्जन मैं दिसंबर में अपलोड करूंगा, उसको आप जब आप देखेंगे देन यू हैव टू क्लियर द इंटायर कंसेप्ट ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक। आपको एक एक ट्रेंड फ्रॉम द बिगनिंग टू अप टू दीज डेट्स जो भी चीज हुए हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एक सिंगल चैनल पे। दैट चैनल नेम इज इंजीनियर सॉल्यूशंस डबल ई ऑल यूनिवर्सिटी। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर कलीग एंड फ्रेंड्स फॉर द बेसिक नॉलेज ऑफ योर इंटायर सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कुछ दिन बाद मैं लेके आ रहा हूँ सारे नए सब्जेक्ट्स जो कि अभी रह रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर का सर्किट एनालिसिस, थर्ड सेमेस्टर का मेजरमेंट, थर्ड सेमेस्टर का आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स में मैं तीनों मशीन्स के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ट्रांसफार्मर का अलग, डीसी का अलग, एसी का अलग, उसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा सारे चीजों। उसी तरह से सर्किट थ्योरी में फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ ए चक्रवर्ती से डिस्कस करूंगा और लास्ट पेज तक जाऊंगा टॉपिक वाइज। आप अपने सिलेबस के हिसाब से टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए और पढ़ लीजिए, बट अकॉर्डिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ योर द गवर्नमेंट जॉब और जो आपके प्राइवेट जॉब है, यू हैव टू क्लियर द ऑल टॉपिक्स रिलेटेड इन एनी सब्जेक्ट्स। आपको सभी टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कहीं पे भी। और मैं कुछ दिन बाद लेके आ रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे कि आपको कैसे लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में पता चलेगा, उसके लिए भी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट। और उसमें एक एक रिक्रूटमेंट जो भी आपके लिए आएंगी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कहाँ इंटर्नशिप चाहिए आपको, कहाँ से क्या ट्रेनिंग करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके मैं आऊंगा। सो गाइज, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड, मेक सम लाइक बटन प्लीज एंड शेयर विद द A student if you are the faculty of any university across the country. Thank you guys, all the best.